जी वॉज रिटन एज मैथमेटिकली एच माइनस टी एस एंड ए वॉज सिंपली इक्वल टू यू माइनस टी एस. एच जी के ऊपर सारे डिडक्शन से सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सब बिल्ड करते हैं. ए के बारे में भी हम सिमिलरली बिल्ड कर सकते हैं. एंड I can write A is equal to U minus TS. Or dA is equal to dU minus T delta S T dS minus S dT. So यहाँ पर लाइक मेन चीज यही रहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस डीए विल बी इक्वल टू डीयू इंटरनल एनर्जी चेंज माइनस टीडीएस. ठीक है, दिस इज अ की आउटकम जिसको कि हमको इसके केस में ध्यान रखना होता है. एंड ए के ऊपर बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं. बहुत ज्यादा क्या, कभी आता ही नहीं है. इट इज जस्ट अ थिंग जिसको कि आपको ध्यान में रखना है कि ए भी कोई चीज होती है. ठीक है, इट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज इंफॉर्मेशन. ए या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी करके कोई चीज होती है विच इज पैरेलल टू डेल्टा जी और गिब्स फ्री एनर्जी. सो यहां पर कुछ ज्यादा हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं होती है या एक्सप्रेशन के बारे में. सिर्फ इसके बारे में जानना होता है कि ऐसा कुछ होता है. इट शुड नॉट बी इक्वेशन मैचिंग या कहीं पर भी ये इक्वेशन आए तो यू शुड नॉट बी अननोन विद द वेरिएबल कि ए क्या आ गया. ठीक है, ए इज सिंपली देयर जो इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज को रिलेट करता है.